हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अरविंद की काजल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? सो हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और अभी फ़िलहाल हो रहा है सुबह और अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने। ये रहा मेरा ब्रश, पूरा घर फैला हुआ है। अभी हम लोग 2 दिन हुआ ही यहाँ शिफ्ट होते हुए, तो आपको होम टूर का ब्लॉग हम लोग बाद में करवाएंगे। वैसे कुछ यहाँ ज़्यादा होम टूर है नहीं दिखाने को, लेकिन फिर भी किसी का कमेंट भी आया था होम टूर करवाने के लिए, तो ठीक है, लोग बाद में करवाएंगे जब सब कुछ फिक्स हो जाएगा, सेट हो जाएगा। वैसे प्लानिंग नहीं है यहाँ हम लोगों को ज़्यादा दिन रहने का, देखते हैं कितने दिन यहाँ तक रहते हैं। बस यहाँ हम लोग टेम्प्रोरी कुछ दिनों के लिए ही रुके हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का यहाँ जॉब है सो यहाँ रुकना पड़ा है, और उसके बाद इनका कहीं और ट्रांसफ़र होने वाला है। वो कहाँ होने वाला है ये हम लोग आपसे नेक्स्ट कभी फिर दूसरे ब्लॉग में बताएंगे जब हो जाएगा तब। फिलहाल तो यहीं रुकना है, तो यहाँ का होम टूर भी करवाएंगे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है घर। तो सुबह के अभी बज चुके हैं 7 और हम लोग जा रहे हैं ब्रश करने। मैं सो के उठ चुकी हूँ, मुझे अभी करेंट अफेयर भी पढ़ना था, तो मैंने सोचा पहले ब्रश कर लूँ, उसके बाद मैं करेंट अफेयर कुछ खाकर करेंट अफेयर पढ़ूँगी। और अरविंद जी दिखाते हैं, अरविंद जी क्या कर रहे हैं जी, बैठे हैं आप लोग। पूरा घर फैला हुआ है, सो गाइस प्लीज इग्नोर इट, इसे आपको इग्नोर करना। रूम बहुत फैला हुआ है। अरविंद जी नाश्ता लेकर आए हैं मेरे लिए, देखो नाश्ता कर रहे हैं, देखिए क्या क्या ये नाश्ता में, खुद अकेले इतना सारा नाश्ता लेकर आए हैं। ओ भाई मौज हो गई। यहाँ रूम में कचरा फैला, देखो वहाँ से यहाँ पे फेंक रहे कचरा फैलाने के लिए। देखो रूम का हाल, अब थोड़े देर बाद सफाई करेंगे, आप लोग देखना अरविंद जी कैसे सफाई करते हैं। आप नहीं करोगे? चलो ये शूट करेंगे, मैं सफाई। तो हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, आप लोग भी आ जाओ, जिसको जिसको नाश्ता करनी है आप लोग भी आ जाओ। एक भी ब्लॉग ये शूट नहीं करते, सब ब्लॉग मुझे शूट करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड से कौन खिलाता है? उसमें राइट दिखेगा। लोग बोलते हैं ना कि आप लोग हर काम लेफ्ट हैंड से करते हैं, उल्टा करोगे तो सीधा राइट दिख रहा है, ठीक है ना? आप लोग भी आ जाओ, दोस्तों किसको करनी है, हम लोग नाश्ता करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। सफाई अभियान शुरू हो चुका है, देखो अरविंद जी क्या कर रहे हैं। आए हाय, पहले भी मुझे डर लग रहा था इसीलिए इनको चढ़ा दी ऊपर चढ़ के। एक्चुअल में ना बहुत ऊंचा है ये, बहुत सारा जो है अपने घर में तो शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने साफ सफाई नहीं की थी, बहुत रूम गंदा था हम लोगों का। हम लोग जो है ये आज मेरा भी छुट्टी है, तो हम जो है यहाँ पे आज हम और काजल दोनों मिलकर सफाई कर रहे हैं। देखिए काजल जो है रूम में पानी डालकर वाइपर से अच्छे से रूम को साफ, बहुत धूल थी, मतलब धूल इतनी थी कि हम लोग पैर से बचते थे तो पूरे पैर में मिट्टी मिट्टी लग जाता था। तो आज जो है हम लोग फाइनली, कल तो ड्यूटी गए थे, आज रेस्ट मिला हुआ है, तो हम सोचे कि कम से कम काजल के साथ मिलकर सफाई कर रहे हैं। मैम फाइनली मेरी 10 दिन तक छुट्टी है, तो हम दोनों अभी साथ ही रहेंगे और 10 दिन के अंदर हम लोग पूरा जो कुछ भी होगा सारा मतलब व्यवस्था करेंगे। अभी तो हम लोग बाहर से ही खा रहे हैं खाना वाना, अभी मतलब गैस वैस भी देखना है। इंडक्शन था तो उनका इंडक्शन ख़राब हो गया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जाएंगे आज इंडक्शन को बनने को देंगे, और जो है बाकी सब अच्छा ही है। बाहर खा रहे हैं, डेली लाने खाना लाने ले जाने पड़ता है, इसीलिए सोच रहे हैं कम से कम 2-3 दिन के अंदर सारी व्यवस्था करेंगे। फाइनली हम लोग इस कमरे को धुलाई कर चुके हैं, अब काजल जो है देखिए यहाँ पे रूम में पोछा लगा रही है, ये देखिए, बोलिए कैसा लग रहा है पोछा लगा के? काम वाली भाई। ये देखिए काम ये कम कर रही है, हमसे ज्यादा करवा रही है। कह रही हो? कुछ नहीं, बोलो क्या कह रही थी बाबू इससे पहले? बनाओ, अरे करो ना सफाई का, आपके दर्शक लोग भी देखें आप क्या करती हो खाली टाइम में, पार्ट टाइम जॉब आपकी। ऐसा नहीं है, मैं इसमें पार्ट टाइम जॉब नहीं करती, फिलहाल घर बहुत गंदा है। क्यों, 200 रुपये नहीं लेती एक रूम धुलने का?
₹200 कम है। एक रूम धुलाई ₹200। अब हम लोग का सारा सामान इस रूम में शिफ्ट होगा। ऑलमोस्ट एक रूम की सफाई हो चुकी है, दूसरे रूम की सफाई हो रही है। देखिए अरविंद जी को सब सामान उठा उठा के लेके जा रहे हैं। बहुत ज्यादा डस्ट है, बहुत ज्यादा गंदा है, काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। तो अभी हम लोग उस रूम का सफाई कर चुके हैं, इस रूम की सफाई हो रही है। ये 2 BHK का फ्लैट है, इसमें हमें 2 कमरे मिले हैं। बाकी जो भी ये होम टूर हम नेक्स्ट करवाएंगे ही। आपको देखिएगा इस रूम में भी पूरा सामान ऐसे फैला हुआ था चारों तरफ। यहाँ मेरी चूड़ी उड़ी सब फैले हुए थे, यहाँ भी ये सारा कचरा फैला हुआ था। वो रूम फिलहाल साफ हो गया है। सारा सामान हम लोग जो है यहाँ का उस रूम में ट्रांसफर करके इसकी सफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर हॉल की भी सफाई करेंगे। फिर देखते हैं कब तक फ्री होते नहाते। अभी मुझे नहाना भी है, रील्स भी बनानी है। सो दिखाते हैं अरविंद जी सफाई कर चुके, उस रूम की तो सफाई हम लोग कर चुके हैं। अरविंद जी उस रूम में सामान रख रहे हैं। देखिए अभी इस रूम में सब सामान हम लोगों ने फिक्स किया है। हटो, गर्मी लग रही है, ये मुझसे मुंह फुला लिए, गुस्सा है मुझसे। कह रहे मुझे काम करने दो, मुझे मुंह फुला लिए हैं। काम करते करते, काम है तो करना ही पड़ेगा ना, गुस्सा होने से क्या होगा, कोई समझाओ इनको। हम लोग की सफाई कंप्लीट होते हुए बस हम लोग कंप्लीट कर ही दिए हैं। शूट करने का बाकी टाइम नहीं मिला, हम लोग शूट नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा डस्ट है, इतना ज़्यादा गंदा है कि सफ़ा करते करते हम लोग परेशान हो गए हैं। तब से देखो अरविंद जी को कैसा लग रहा है सफाई के से? ज़्यादा काम हम किए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये बस वीडियो बना, सिर्फ पानी काच रहे, ये सिर्फ पानी को काच रहे वाइपर से। मैं धुल रही हूँ, प्लस मैं पोछा भी लगा रही हूँ, सारा सामान भी मैं ही हटाई हूँ। इनको तो कुछ पता ही नहीं है, बस क्या क्या हटाना है बता दो आप लोग। ये कमेंट बिल्कुल भी मत करना कि दीदी आप सब काम जी, बहुत बड़ी काम जो जी जू, सिर्फ आपके पानी काच रहे आप लोग देखो। बाकी तब से मैं उसको धुल भी रही थी, प्लस पोछा भी मैं लगा रही थी। देख लो भाई, काम वाली बाई बन गई हूँ। देखो और बाल धुल के आ चुके हैं, बहुत काम हुआ, काफी थक भी गई है। तो हम लोग जो है अब हम लोग जा रहे हैं रेडी होने। रेडी होके हम लोगों को रील्स भी बनाना है। बस अभी मैं नहा कर आई हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं रेडी होके रील्स बनाने। आप लोग इंस्टाग्राम पे काजू क्वीन ए ऑफिशियल पे आप लोग जाकर वीडियोस भी देखिएगा। वाटरमेलन काट रही है और जो है बगल में एक आम रखा हुआ। अभी हम लोग दोनों लोग जो है काफी थके हुए हैं, इसलिए अभी हम लोग यही खाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे लंच लेने जाएंगे। तो फिर वहाँ से देखते हैं, काजल का कुछ खाने का मन है, देखते हैं ले आते हैं, फिर उसके बाद लंच किया जाएगा। यही सब, रूम वूम भी सज गया है, अभी तो थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद फिर ये बोलना है कि अब हम लोग डेली ब्लॉगिंग करेंगे। अब डेली ब्लॉगिंग में आप लोग बने रहिएगा, डेली ब्लॉग आएगा रोज, क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। कमेंट्स आया था सबका कि आप ब्लॉग बनाइए। मैं ब्लॉग खुद से नहीं बना रही हूँ, आप लोग के कमेंट पे बना रही हूँ। मैं रील्स ही बनाती थी इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे, लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आप डेली ब्लॉग बनाइए, इसीलिए मैं अब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पर डे ब्लॉग आएगा लाइफ में हमारा, क्या चल रहा है। आप लोग भी हमारे फैमिली के एक हिस्सा हो, तो आप लोगों के साथ भी हम लोग शेयर करेंगे कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं खाने फ्रूट्स। अगर आप यहाँ तक ब्लॉग में बने हो तो चैनल पे, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। हम लोग रील्स बनाएंगे तो वो रील्स इंस्टाग्राम पे काजू क्वीन 8 ऑफिशियल पे डालेंगे। आप लोग जाकर काजू क्वीन 8 ऑफिशियल को विजिट कीजिए, वीडियोज को देखिए, उसमें हमारे अरविंद के अच्छे अच्छे रील्स है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।